का छुपी पर दिल का छुपी ओ माफी चाहते हैं, हम हमारे गुस्से पर काबू नहीं रख पाए। ठीक है, पर ध्यान रहे दोबारा ऐसी गलती फिर ना हो। माँ, हम सार्थक के घर खीर देकर आते हैं। हम तो दिया लगा ही रहे थे, तुमने खीर लाकर भोग की कमी भी पूरी कर दी। तुमने हमारे लिए इतनी अच्छी खीर बनाई है तो एक रिटर्न गिफ्ट तो बनता है। एक छोटा सा फूल हमारे प्यारे से फूल के लिए तुम्हारे ब्लडी फूल की तरफ से। और तुम्हारा ये फूल देखकर हमारा दिल खुशी से फूले नहीं समा रहा। सृष्टि नहीं आई अभी तक? आ जाएगी, तुम खाना परोसो। नीचे आज जगराते के मान की मीटिंग है, वहां जाना है। जी। बउआ, अभी भी टाइम है, सोच लियो। मान मिला, जिम्मेदारी दुगनी हो जाएगी। पूजा, दफ्तर सब तुम्हारे सर पे। सही कह रही है माँ। चाहते तो हम भी हैं कि कोई हमारी जिम्मेदारी संभाल ले, पर हमारे पास कंधा ही नहीं है। हमारा ये बेटा अगर होनहार होता तो हमें इन सब फंक्शनों में कॉलोनी के जाना नहीं पड़ता। लेकिन क्या करें, वो अपना नाम भी जिंदा रखना है, तो उसके लिए हमें ये मान की जिम्मेदारी उठानी ही पड़ती। अपनी अपनी क्षमता होता है, अपना अपना जीने का तरीका होता है बउआ। ठीक कह रही है माँ, लेकिन एक बाप ये तो चाहता है ना कि उसका बेटा उत्तराधिकारी बने, उसकी मान और प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाए। हमें तो ये उम्मीद बस अब सृष्टि से ही रह गई है। वैसे देखते हैं इस बार मान की पर्ची किसके नाम की निकलती है। अब तक तो सिर्फ सीनियर्स ही इसमें हिस्सा लेते थे, अब तो जूनियर्स भी आ गए अपना अधिकार जमाने के लिए। आगे तुम बड़ी देर लगा दी, हीर ली उन्होंने। अगर घर में सबको सच बताया तो दूसरा बवाल शुरू हो जाएगा। जी, सबने खीर खाई, सबको बहुत पसंद भी आई, तारीफ भी की। चलो अच्छा हुआ, हमारी इस मेहनत का नतीजा तो अच्छा निकला। दोनों परिवारों में जो तनाव था वो कुछ तो कम हुआ। हाँ, रिश्ते बेहतर करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन ये मेहनत दोनों तरफ से हो तो बेहतर। मुझे नहीं लगता कि मेहनत वो लोग कर रहे हैं। पापा, कभी कभी एक की मेहनत ही दोनों के लिए काफी होती है। बेटा, लेकिन लोगों को दायरे में रखना भी जरूरी होता है। हाँ, पर पापा, दायरा दूरियां भी बढ़ा देता है। बेटा, दायरे के घेरे से हमें एक सुरक्षा प्रदान होती है। अब देखो, केबीआई का एक सीनियर मैनेजर और एक जूनियर क्लर्क अगर एक ही लाइन में बैठेंगे तो बैलेंस तो बिगड़ेगा ना। ले जी, रविशंकर जी आ गए। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, बढ़िया सर। आइए बैठिए, आप भी बाकी आ ही रहे होंगे। हाँ जी। प्लीज। लो, सतेंद्र जी भी आ गए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। भारती, चलो हुआ चल के बैठते हैं। बैठो। अरे हम कह रहे हैं ना, उठो, सीट खाली है, बैठ जाइए। नमस्कार भाई और बहनों, आप सबका इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। हर साल की भांति इस बार भी हमारे जगराते की आरती के मान की पर्ची निकाली जाएगी, और जिसके नाम की पर्ची होगी पूजा का मान उसी को मिलेगा। अब एक बच्चे के द्वारा एक पर्ची निकाली जाएगी, जिसके नाम की पर्ची निकलेगी जगराते की और आरती की, सारी जिम्मेदारी उनकी होगी। यस, आज ना नानी ने तुम्हारी फेवरेट लौकी की सब्जी बनाई है। देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है।
तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? कैसे खाए मामा, मम्मी दे नहीं रही। हमारी खुराक यहाँ लोगों पर भारी पड़ रही है बेटा, इसीलिए रहने ही दियो। वो कहा है ना, हम तुम्हारे पेट पर गीला तौलिया रख देंगे तो तुम्हारी भूख जो है ना वो खत्म हो जाएगी। और तुम्हारे मामा ने तो तुम्हारी मम्मी का पेट अपनी गालियों से भर ही दिया है। तो बचपन की तरह हिसाब बराबर कर लो ना, ऐसे खाने पर गुस्सा निकालने की क्या जरूरत है? और ये यश को क्यों भूखा रखा हुआ है तुमने? देखो यश, तुम्हारी मम्मी ने तो हिसाब बराबर कर लिया, क्योंकि इनके गुस्से के चक्कर में हम भी भूखे बैठे। क्यों, इन्होंने आपको भी खाना नहीं दिया? अरे बेटा, हमारी वजह से तो भूख हड़ताल पे बैठी है तुम्हारी मम्मी, तो हम कैसे खाना खा सकते? उनका साथ तो देना पड़ेगा ना। तुम्हारे कारण नहीं है, वो एक घमंडी परिवार की वजह से है। अभीर जाते, उनको तो रिश्तों की कोई कदर तो है ही नहीं, और हम दोनों भाई बहनों के बीच में दीवार खड़ी करने पे तुले हैं। अच्छा, इतना कमजोर रिश्ता है हमारा तो कोई भी हमारे बीच में आ जाएगा? अरे नहीं बुआ, हमारी नींव तो बिल्कुल मजबूत है, लेकिन वही सृष्टि सब बर्बाद करने पे तुली है। दीदी कहाँ से आ गई वो बीच में? अरे कैसे नहीं आई बीच में, तुम उसी की तो बात सुनते हो। हम किसी की बात नहीं सुनते। और हमारा दिल भी ये कह रहा है कि हमारी दीदी हमसे गुस्सा है और उन्हें हमें मनाना है। बस अरे प्लीज मान जाओ ना यार। हम नहीं मानेंगे। अरे ये लो यार, तुम खाना खाओ चुपचाप। ऐसे कैसे नहीं खाओगी? हम नहीं खाएंगे, हम बोल रहे हैं। देखो तुम्हें हमारी कसम, प्लीज खा लो यार प्लीज। मेरी प्यारी दीदी, चल खड़ा हो जा। अब आप लोग खाना खाइए, हम भी जाकर कुछ पेट पूजा कर लेते। पागल, खा ले। हेलो। हेलो। बोलो। तुम सो गई? कब के? वो तो हमें नींद में बात करने की आदत है, तभी फोन पे हेलो हेलो किए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये सब छोड़ो, तुम ना जल्दी से छत पर आओ ना, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। ई पागल हो गए हो क्या? इस वक्त नहीं आ सकते हम, टाइम देखा है बहुत लेट हो गया। ये क्या बात हुई, तुम आती हो मैं तुम्हारे घर आऊँ? ई हेलो बच्चू, ये धमकियां ना किसी और को देना, हम डरने वाले नहीं है। अच्छा बेटा, तो हमारी बात तुम्हें धमकी लग रही है? अब तुम देखो, हम अभी आ रहे हैं। हम साथ रुको, आते हैं। ये बात तो ये खिचड़ी पक रही है, तभी हम सोचें इस सृष्टि को उस क्लर्क के परिवार से इतनी हमदर्दी क्यों है। पर इस बार आरती के मान की पर्ची निकली है। शंकर जी के नाम की सभा उच्च
चिट्ठी में अफसरान लोगन का नाम लिखा। हर साल यही होता है। अरे भगवान के घर में भी भेदभाव करते हैं इन लोग। बस आप तो ना चुप करवाते नहीं। चुप हो जा, पीछे बैठ जा। और अब हम चाहेंगे रविशंकर जी भी कृपया करके दो शब्द बोले। हम सबसे पहले तो ईश्वर का धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने हमें इतने बड़े मान का सम्मान दिया, और साथ ही साथ हम आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जगराते और इस पूजा में आपको किसी तरह की कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। अरे वाह! अरे हमें आप पर पूरा भरोसा है सर। और अब ये मीटिंग किसका फोन आ गया इस समय? ये सेक्रेटरी होना भी मुसीबत है। हेलो हेलो गुप्ता जी, छत पर पानी की टंकी लीक हो रही है। अरे क्या, जल्दी जाइए जाकर कुछ कीजिए वरना टंकी टूट जाएगी और एक नई आफत आ जाएगी। कौन बोल रहा है भाई? हेलो, बहुत शौक है ना तुम दोनों को एक दूसरे का दर्द बांटने का। तुम दर्द बांटो और हम तुम्हारी इज्जत का पर्चा बांटेंगे। जिस पानी के लिए हमारी इंसल्ट हुई थी, आज उसी पानी के नाम पर तुम दोनों की लाइफ में तूफान आने वाला है। बच सको तो बच लो। सार्थक, अब बताओगे क्यों बुलाया हमें? ये खूबसूरत लंबी रात, वो फलक पे निकला चांद और मेरे सामने तुम। दिल करता है कि हमेशा के लिए मैं हो जाऊं तुम में गुम। एक बात हमें सच सच बताना, तुम पक्का ये MBA कर रहे हो या हमसे चोरी छुपे किस शायरी का डिप्लोमा करने के लिए जाते हो? सच कह रहे हैं हम। जो तुम शायरी की ये लंबी लंबी लाइनें चिपकाते रहते हो ना हमें सच में तुम पे शक हो रहा है। हम ये मुस्कुराना बंद करोगे? सच बताओ क्यों बुलाया हमें? बहुत मुश्किल से आए हैं हम। ओके। ये देखो, आज हम रवि में 10,000 रुपए जीत गए। बताओ क्या गिफ्ट खरीदे तुम्हारे? कोई गिफ्ट नहीं चाहिए हमें। अरे पर क्यों, क्या हो गया? छोड़ो हमें, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जुए में जीते हुए पैसों से हम गिफ्ट लेंगे? पता है जुआ कितनी गलत चीज होती है। इसमें गलत क्या है, जिंदगी भी तो एक जुए की तरह ही है। क्या हो गया गुप्ता जी? अरे सर ये किसी का फोन आया है, पानी की टंकी लीक कर रही है। एक तो पानी की किल्लत पहले से थी, अब तो और मुश्किल हो जाएगी ना। रवि बाबू चलकर देखते हैं ना पानी की टंकी लीक हो रही है तो। हाँ बिल्कुल, आइए चल। कोई जुआ नहीं है जिंदगी। जिंदगी तो एक तोहफा है जिसे हम इतनी मेहनत अपने अच्छे कर्मों से सजाते हैं, उसकी खूबसूरती को और निखारते हैं। और उसके बीच में तुम्हारे जो जुआ है ना, उसकी सुंदरता पर काले धब्बे की तरह है, सब कुछ बर्बाद कर देता है। तुम्हें हमारी कसम है सार्थक, अगर आज के बाद तुमने गंदा खेल खेला ना तो हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। सच कह रहे हैं। उस समय कितने क्यूट लगते हो। अच्छा बाबा, आज के बाद जुआ नहीं खेलेंगे। हमारी कसम? तुम्हारी कसम। आज एक बार में हमारी बात मान गए? हमेशा मानता हूँ मैं। सार्थक तुम एक जादू दिखाए। नेकी और पूछ पूछ वो देखो। वाह क्या है? कमाल है भाई, तुम्हारा जादू देखकर ना ऊपर वाला भी सेंटी हो गया। रो पड़ा बेचारा। रोए नहीं है, और रोए भी है तो खुशी के आंसू में। हम दोनों को इतना खुश देखकर वो भी खुश होते हैं। पता नहीं कैसी लीकेज है, अगर टैंकी से हुआ तो इतनी रात को कौन आएगा रिपेयर करने के लिए? वैसे हमें लगता है कि ये भगवान हमसे कह रहा है कि बेटा हाल तो हमने बना दिया,
इन छोटे लोगों के साथ रिश्ता बनाने चली थी ना सृष्टि, अब उसे अपनी गलती का एहसास होगा जब उसका खुद का मजाक उन छोटे लोगों के साथ बनेगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं किस पागल ने फोन किया था। गुप्ता जी, ये बिन मौसम बारिश की वजह से किसी को लगा होगा टंकी लीक कर गई है। चलिए ठीक है, अब यहाँ आ ही गए तो चेक कर लेते हैं कहीं कोई पाइप वगैरह लीक ना हो। शंकर जी, हमने सारी चेकिंग करवा ली है, मनोहर बाबू की बात मुझे तो सही लग रही है, ये सब मौसम की गलतफहमी की वजह से हुआ है। ठीक है, अब अरे गुप्ता जी, आपको जिसने फोन किया था आप उसी नंबर पे फोन करके देखिए ना, उसको पूछिए ना लीकेज कहाँ पर है, बेकार में पानी क्यों बहे। फोन कोमा में है मतलब? अरे भाई साहब, उनका फोन कोमा में ही रहता है, शक्ल तो देखिए इसकी, खाली इनकमिंग खाली आती है, इसीलिए तो हमको पता नहीं चलता कौन कौन देवी इनको फोन करती है। अरे अब क्या बहस करनी, चलिए सब नीचे चलते हैं। आइए, सार्थक, आज हम दोनों बाल बाल बचे हैं, तुम्हारी इस खास बात के चक्कर में आज हम दोनों की इज्जत का बतंगड़ बन जाता। लिख के ले लो, ये है ना सब बड़े लोगन की मिली भगत ही। छोटे जूनियर का नाम पर्ची में होत ही नहीं, तभी तो हर बार उन्हें ही मान मिलता है। भारती, तुम ना सीरियल देख देख के एकदम षड्यंत्रकारी सास जैसी हो गई। हाँ, अरे सब किस्मत की बात है, ऐसा नहीं ना होता है, भगवान का मान ऐसे ही नहीं मिल जाता। ये भी सही है, अब किस्मत भी ना बड़े लोगन के रहमो करम पर है, और धर्म कर्म का काम भी जो है कि अमीर लोगों के ऊपर ही मेहरबानी करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता ना तो एक बार मनोहर बाबू को मिला था कि नहीं, मान मिला था या नहीं, तो वो कैसे? तो कबाऊ मिला था क्लर्क बनने के बाद। जानते हैं, हमारी तो बस एक ही इच्छा है, हमारा सार्थक ऊंची डिग्री लेके बड़ा अफसर बन जाए, अभी जब वो बड़ा अफसर बन जाए ना, तब हम उनका ब्याह बहुत ही बड़े और अमीर घर में करेंगे, और फिर हमारा अफसर बेटा और हमारा अमीर बहू जब ही मोहल्ले में जगराते का मान ली है ना, तब सबका चेहरा लाश की भक्त की तरह हो जाए, तब ही हमारे कलेजे में ठंडक पहुंचेगी। हाँ, जब वो बड़ा अफसर बन जाए ना, तब हम उनका ब्याह बहुत ही बड़े और अमीर घर में करेंगे। यश सार्थक की दुनिया है, लेकिन जब उसका ब्याह हो जाएगा तो यश की अहमियत खत्म, क्योंकि उसके बच्चे हो जाएंगे। अब हमारी तो आधी जिंदगी बीत गई, पर हमारा यश वो तो सार्थक के साथ ही रहेगा ना, कैसे भी करके हम सार्थक का ब्याह रोक लेंगे। यहाँ जान हलक में लिए हम तुम्हें ताड़ रहे हैं, और तुम हो के तुम्हें हमारे प्यार पर भरोसा ही नहीं रहा। मजाक कर रहे हैं आप, और भरोसे की बात मत करो, वो तो हमें तुम पर खुद से भी ज्यादा है मेरी जान। पता है, जब तुम ये मेरी जान बोलती हो ना, तो हमारी जान निकल जाती। क्या हुआ मीटिंग में बउवा? माँ जी,
इन्हें मान मिल गया। अरे वाह, तुम्हारे सर पर शीतला माँ का आशीर्वाद सदा बना रहे बेटा। बस अब इस मान का पूरी तरह से श्रद्धा करना। बस आप हमें आशीर्वाद देते रहिए, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते रहे। बस अब तुम दोनों बातें करो, हम सोने जा रहे हैं। जी माँ। लीजिए पिए। हाँ जी। मम्मी जी, आपके लिए चाय बना दूं? नहीं नहीं, एक ग्लास पानी ला देना। माँ कितनी खुश थी आज। वैसे मीटिंग बहुत लंबी चली आज। अरे नहीं, मीटिंग तो ना समय पर ही खत्म हो गई थी। फिर किसी ने गुप्ता जी को फोन किया और कहा कि पानी की टंकी रिस गई है, सब वहां चले गए। वो तो शुक्र है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और सब कुछ ठीक है। मानो या ना मानो, ये जरूर किसी की शरारत थी। हाँ, जब से फोन कॉल्स फ्री हुए ना, लोगों को पता नहीं शरारत ही सूझती रहती। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों की पुलिस में खबर करनी चाहिए। अरे पर कर क्या सकते हैं, गुप्ता जी का फोन देखा था ना, उसका तो स्क्रीन भी टूटा हुआ है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि किस नंबर से फोन आया था, वरना तो वो कॉल करने वाली पकड़ी जाती ना। चलो मैं तो बच गई, पर अगर इन लोगों को सृष्टि और सार्थक छत पर नहीं मिले तो कहाँ गए दोनों? सृष्टि के बारे में सीधे बता दूं क्या कि वो कमरे में नहीं है? अपने आप पूछेंगे तो सब पता चल जाएगा। Thank you, नहीं नहीं, अगर वो अभी तक नहीं लौटी तो पक्का कोई ना कोई बहाना खोज ली होगी इन्हें बताने के लिए, उल्टा हम ही डांटे जाएंगे। ये अमृत है, हमारे बैंक में पीओ है। आरती के साथ साथ हमने सोचा कि क्यों ना अमृत और सृष्टि भी एक दूसरे को अच्छे से जान ले। भाई जीवन एक साथ बिताना है तो फिर एक दूसरे को समझना भी तो जरूरी हो जाता है। कैसी लगी हमारी बेटी सृष्टि? मेरी तरफ से हाँ। बात कर लोगी तो कोई मारेगा क्या? क्या पता, मार दिया आप तो। हेलो, पागल हो तुम, फोन क्यों किया? हमारे होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, समझी? बस बातें बनाना आता है, बाकी क्या भरोसा। अच्छा, अब तुम्हें हमारे प्यार पे भरोसा भी नहीं रहा? बिल्कुल नहीं। क्या है ना, सबको अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी होती है। डंडे के डर से हथनी गली से निकल गए तुम। हाय, कितनी बेकार हो तुम। मतलब इतने सालों की हमारी मेहनत, हमारी शिद्दत पर तुमने एक सेकंड में पानी फेर दिया। यहाँ जान हलक में लिए हम तुम्हें दहाड़ रहे हैं और तुम हो के तुम्हें हमारे प्यार पर भरोसा ही नहीं रहा। हमारे प्यारे से सेंटी सार्थक, मजाक कर रहे हैं हम। और भरोसे की बात मत करो, वो तो हमें तुम पर खुद से भी ज्यादा है मेरी जान। ये लास्ट वाली लाइन वापस बोल। बोलो ना लास्ट वाली लाइन। हमने कहा भरोसा तो हमें तुम पर खुद से भी ज्यादा है मेरी जान। हाय, पता है जब तुम ये मेरी जान बोलती हो ना, तुम्हारी जान निकल जाती।
ये अमृत है, हमारे बैंक में पीओ है। आरती के साथ साथ हमने सोचा कि क्यों ना अमृत और सृष्टि भी एक दूसरे को अच्छे से जान ले। भाई जीवन एक साथ बिताना है तो फिर एक दूसरे को समझना भी तो जरूरी हो जाता है। कैसी लगी हमारी बेटी सृष्टि? मेरी तरफ से हाँ।